मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे मलाड़ पुलिस ने करोड़ों का घोटाला करने वाली महिला को पकड़ा है। इस महिला का नाम निशा रुसरा और उम्र 34 वर्ष है। लॉकडाउन के समय इस महिला ने डॉक्टर्स को सर्जिकल हैंड ग्लव ये बताकर बेचा कि ये दस्ताने USA के है। मुंबई में अधिक कीमत पर इन दस्तानों को बेचा जा सकता है, इसलिए निशा ने डॉक्टरों सहित कई लोगों को ठगा है। मलाड़ पुलिस ने कहा कि अंधेरी वेस्ट से दो लोगों ने निशा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि निशा ने उनसे 72 लाख रुपए की ठगी की है। इन दो लोगों में से एक व्यापारी और एक डॉक्टर है। उन लोगों से लाखों रुपए लेने के बाद भी वो उन्हें हैंड ग्लव का स्टॉक नहीं दे रही थी, इसलिए वो लोग पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराने पहुंचे। काफी तलाश के बाद इस महिला को पकड़ लिया गया है। ये बात सामने आई है कि जो एयरपोर्ट के कागजात है वो भी उन्होंने फर्जी बनाए हैं, और उसके भी वो जो सब बातें हैं उसकी हम लोग तहकीकत कर रहे हैं। 77 लाख देने के बावजूद भी उसको उनके जो ग्लोव थे वो नहीं दिए गए। बार बार बताया जाता था कि बाबा वो मलेशिया से आए हैं लेकिन उसके पैसे भरने हैं और वो एयरपोर्ट पे जमा है, ऐसा करके उनको 77 लाख की ठगी की गई थी। 21 तारीख को हमने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया था और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके तहत वो वर्सोवा चार बंगला इस जगह पे है, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हमारे ये पुलिस स्टेशन के PSI वाइकोस और लेडी इंस्पेक्टर मनीषा कागलकर इन्होंने और टीम ने जाकर उनको वहाँ से दबोच लिया और ये केस में उनको अरेस्ट किया है। जैसे मलाड के लोगों को फंसाया, वैसे तिलक नगर चेंबूर वहाँ के भी लोगों को फंसाया है और बहुत सारे लोगों को फंसाया है। तो हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट दर्ज नहीं की हुई थी दर्ज कीजिए,